बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ माजबीन और आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बॉम्बे चिकन बिरयानी। ये हमारी फैमिली रेसिपी से बनेगी। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है और इतनी मुश्किल भी नहीं है इसको बनाना। आप इसको बनाइएगा और मेरे चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका जायका कैसा लगा। चले मैं पहले आपको इसके तमाम इन्ग्रीडियंट्स बता दूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी डालेंगे। ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिनको मैंने पानी में सोक कर दिया है। ये तकरीबन 4 मेजरिंग कप के बराबर हैं। 1.5 किलो चिकन लिया है। 5 से 6 प्याज लेकर उनको मैंने स्लाइस कटिंग कर ली है। 5 से 6 टमाटर हैं। उसके बाद 2 चम्मच के करीब ये लहसुन है। 2 चम्मच मैंने इमली लेकर उसको पानी में डिप कर दिया है। 5 आलू बुहारे हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 1 कप दही, ये कुकिंग ऑयल है। ये हम इसमें डालेंगे 5 बादियान के फूल, 5 अदद मोटी इलायची, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े, 2 टीस्पून ये हमारा खुश्क धनिया है, 2 टीस्पून हमारा ज़ीरा पाउडर है, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 अदद जायफल, 1 छोटा चम्मच जयवत्री का, 1.5 टीस्पून इसमें डलेंगी ग्राइंड रेड पेपर और 1.5 टीस्पून दादरी मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डलेगा हल्दी पाउडर। इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने तमाम मसाले ग्राइंड कर लिए हैं और ये उनकी लुक आई है। अब हम अपना चिकन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक देगचा लेंगे और उसमें हम अपने डालेंगे तमाम प्याज और लहसुन। इसमें हम डालेंगे 2 कप के बराबर पानी, 1/2 आंच पर गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये हमारा लहसुन और प्याज गल जाएगा, फिर हम इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम अपने लहसुन और प्याज को देखते हैं। देखें जी, ये बिल्कुल गल के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनमें ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के हम इसको भूनेंगे। ये हमने ऑयल डाल लिया, साथ ही इसमें हम चिकन डाल के तो इस सारे को अच्छी तरह से भून लेंगे। चलें देखें, हमारा चिकन भुन गया है, सारा ऑयल उसका बाहर आ गया है। जितना चिकन का अपना पानी था वो ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ हमने जितना अपना मसाले सारे पीस के रखे थे वो सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू बुखारा भी डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना 1 कप दही और जो हमने इमली अपनी भिगो के रखी थी वो हम पानी और गुठलियों समेत इसमें डाल देंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए, इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें अपनी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और चूल्हे को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हमने पैरेलल में चावल थोड़ा नमक डालकर चावल बॉईल कर लिए थे।
चलिए जी, अब आप अपनी बिरयानी को असेंबल करते हैं। हमने पैरेलल अपने चावल भी 2 चम्मच नमक डाल के इनको भी बॉईल कर लिया था और हमारा चिकन मसाला भी रेडी है बिरयानी का। अब हम इनको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम नीचे जो लेयर लगाएंगे वो हम सबसे पहले चिकन की लगाएंगे, हाफ चिकन हाफ इसमें डालिए। इस पर अब हम अपने चावल डालेंगे। चलिए, फिर से एक लेयर हमारी चिकन की जाएगी। और चिकन के ऊपर फिर हम चावलों की लेयर डालेंगे। जी, हमने अपनी तमाम बिरयानी की जो चावलों और चिकन की लेयर्स थी वो लगा ली हैं। अब हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। हमने थोड़ा सा फूड कलर पानी में मिक्स करके रख लिया था, अब हम इसके ऊपर फूड कलर डाल देंगे, येलो फूड कलर। और अब हम अपनी बिरयानी को दम के लिए रखेंगे। हमने अपनी बिरयानी को दम पे लगा दिया है, मीडियम हीट हमने उसकी रखी है और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम उसको दम पे लगाएंगे, मीडियम टू स्लो हीट पे। फिर हम उसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी बिरयानी को दम आ गया है। देखिए, चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी बिरयानी की फाइनल लुक है, इसको हमने डिश आउट कर लिया है और लुक के साथ साथ टेस्ट में भी बहुत मज़े की है। मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।